आधी हमारी प्लस टू फेज की नाइन्थ क्लास है, जिसमें हम जो लास्ट लेक्चर में किया था उससे आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि ये सारी मेरी क्लासेस इस राष्ट्र को समर्पित हैं, पीएम केयर को समर्पित हैं। तो आज क्लास शुरू करने से पहले हम शांति पाठ करते हैं। ओम द्यो शांति रंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रोषध्या शांति आपा शांति वनस्पति शांति विश्व देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति शांति रेवा शांति श्यामा शांति रेदि ओम शांति शांति शांति। तो बच्चों, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आई टोल्ड यू अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज सर्कुलर रिंग ऑन इट्स एक्सिस, और वहां पे मैंने प्रूव किया था कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड एट ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस ऑन द एक्सिस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सर्कुलर रिंग, इन दैट केस दिस इलेक्ट्रॉन विल ऑसिलेट सिंपल हार्मोनिकली। मैंने ये कहा था स्पेशली कि व्हेन इट इज प्लेस्ड एट ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस, व्हेन इट इज प्लेस्ड एट ए लार्ज डिस्टेंस इट विल बी एन ऑसिलेटरी मोशन, नॉट विल बी ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, बट व्हेन इट इज प्लेस्ड एट ए स्मॉल डिस्टेंस इट विल बी एन ऑसिलेटरी मोशन। और उसके बाद हमने उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट किया था, वो किसके बराबर आ गया था, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम ई अपॉन के क्यू ई, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम आर क्यूब अपॉन के क्यू ई, दैट वाज द टाइम पीरियड ऑफ दैट सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके बाद आई हैव कैलकुलेटेड द इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एट द सेंटर ऑफ चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग, तो चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या आ गई थी, इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, वेयर लैम्डा इज द इलेक्ट्रिक, वेयर लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। और साथ में मैंने ये भी बताया था आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज के कारण भी क्या होती है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होती है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना है कि कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज सर्कुलर सेमी सर्कुलर रिंग पूछ लिया जाए, इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज पूछ लिया जाए, दोनों की वैल्यूज क्या है, सेम है, व्हाट इज दैट, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो उसके बाद मैंने आपके पास टर्म डिफाइन की थी इलेक्ट्रिक डायपोल, मैंने आपको बताया था कि क्यों हमने डायपोल या इलेक्ट्रिक डायपोल डिफाइन कर रहे हैं, हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स मैंने क्या कहा था कि जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ओवरलैप कर रहे होते हैं तो उनको उनके बीच में डिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है, उन्हें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और जिन मॉलिक्यूल्स के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या हैं, दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, उनको हमने क्या कॉल किया था कि दीज आर नोन एज पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर को हम पोलर बना सकते हैं, जिसको मैंने क्या कहा था, दैट फिनोमेना इज नोन एज पोलराइजेशन, जिसको हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे भी। तो मैंने क्या कहा था कि किसी भी मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रिक बिहेवियर को डिस्कस करने के लिए वी हैव डिफाइंड द इलेक्ट्रिक डायपोल, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, उनकी कंबाइन की टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, उसको देख के हम उसका इलेक्ट्रिक बिहेवियर डिस्कस कर सकते हैं, जिसके लिए हमने टर्म डिफाइन किया है इलेक्ट्रिक डायपोल। तो क्या कहा था, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, इट इज ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, इट इज ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, मैंने कहा था दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक डायपोल। देन आई डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, क्या कहा था कि प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इधर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन दम इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट, इट्स डायरेक्शन इज टेकन फ्रॉम नेगेटिव, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज टेकन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो पी वेक्टर इज इक्वल टू क्या डिफाइन किया था, क्यू इंटू 2a, और क्या कहा था कि इट्स यूनिट इज कूलम मीटर, क्लियर। नाउ Then I told you कि we will calculate the electric field density due to this electric dipole on its axial line, on its equatorial plane, at any arbitrary point. So first of all,
Today we will calculate the electric field density. Due to this electric dipole, on its axis, इसके axis के ऊपर हम calculate करते हैं. Suppose करो this is a point A on its axis, and this point A is at a distance x from the center of the इस इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर से कितने डिस्टेंस के ऊपर पड़ा हुआ है, एक्स डिस्टेंस के ऊपर ये पॉइंट पड़ा हुआ है. नाउ इस पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी देखनी है. अब इस पॉइंट ए के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होगी, इट विल बी ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज ड्यू टू नेगेटिव चार्ज. इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होगी. तो क्या कहा था कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा था कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या होती है, दैट इज अवे फ्रॉम द चार्ज. नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या होती है, दैट इज टुवर्ड द चार्ज. तो पॉइंट ए के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होगी ड्यू टू दिस माइनस के ओ क्या हो जाएगी, ई माइनस के ओ आर माइनस के ओ वेक्टर. तो इट विल बी टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज. इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या होगी, वो इधर होगी, दैट विल बी ई प्लस के ओ वेक्टर. क्लियर? सो इन दिस वे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई ए वेक्टर क्या होगी, ई प्लस क्यू वेक्टर प्लस ई माइनस क्यू वेक्टर. दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए ड्यू टू दीज चार्जेस. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. मॉडुलस ऑफ ई ए वेक्टर क्या होगा, मॉडुलस ऑफ E plus Q vector plus E minus Q vector, its modulus will be equal to क्या हो जाएगा, simply it will be equal to E plus Q minus E minus Q. This is the resultant electric field density. Due to this magnitude of the resultant electric field density due to this positive and negative charge. अब मैंने minus Q कर दिया. There if there are two vectors, अब इन दोनों vectors के बीच में angle कितना है, 180 degree है. जब भी दो vectors के बीच में angle 180 degree हो तो हम उनको क्या करते हैं, algebraically subtract कर देते हैं. तो आपको मैंने क्या बताया था कि electric field intensity जो होती है, electric field intensity due to any point charge किसके बराबर होती है, k q by r square होती है. तो अब प्लस के उसे इसका डिस्टेंस कितना है, अगर हम चेक करें यहां से प्लस के उसे इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, x प्लस e आ जाएगा. और इस माइनस के उसे डिस्टेंस कितना आ जाएगा इसका, x माइनस e आ जाएगा. तो प्लस के उसे कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या आ जाएगी, k q अपॉन x प्लस e होल स्क्वायर आ जाएगी. माइनस माइनस के उसे कारण क्या आ जाएगी, k q अपॉन x माइनस e होल स्क्वायर आ जाएगी. क्लियर? सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज. नाउ अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज k क्या हो क्या आ जाएगा, दिस इज 1 अपॉन x प्लस a होल स्क्वायर माइनस दैट इज x माइनस a होल स्क्वायर आ जाएगा. क्लियर? नाउ ये अगर हम देखेंगे ई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दिस इज इक्वल टू के क्यू क्या होगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा, माइनस एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर. क्लियर? Now a minus b का whole square minus a plus b का whole square minus 4ab. So this will be equal to क्या आ जाएगा, k q 4x a divided by क्या आ जाएगा, minus 4x a divided by x square minus a square whole square. अब negative sign का से यहाँ पे क्या मतलब है, what do you mean by here negative sign यहाँ से मतलब है कि आपके पास जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, अब इनमें से देखो
इनमें से देखो प्लस क्यू ज्यादा है या माइनस क्यू ज्यादा है, ई प्लस क्यू की वैल्यू ज्यादा है या ई माइनस क्यू की वैल्यू ज्यादा है। इट डिपेंड्स कि पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस ज्यादा है या नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस ज्यादा है। पॉइंट ए का पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के है, तो जिससे डिस्टेंस ज्यादा होगा उसके कारण स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू कम होगी, नेगेटिव के कारण ज्यादा होगी। तो याद रखो बच्चों कि जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 180 डिग्री हो तो उनके रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होती है, उन दोनों वेक्टर में से जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो रिजल्टेंट की डायरेक्शन उस तरफ होती है। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या आएगी, वो इस तरफ आएगी। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एट पॉइंट ए विल बी इन दिस डायरेक्शन। क्लियर? सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हियर नेगेटिव साइन। सो दिस कैन बी रिटन एज 4kq xc अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर। क्लियर? नाउ कल क्या बताया था मैंने, आज भी मैंने रिपीट कर दिया कि हियर इट कैन बी रिटन एज 2kq दैट कैन बी रिटन एज 2kq x इंटू 2kx इंटू 2qa अपॉन क्या लिखा जा सकता है, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर। क्लियर? व्हाट इज हियर 2qa, तो 2kqa क्या है, दैट इज p, तो दिस कैन बी रिटन एज 2kx p अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर। क्लियर? सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एट पॉइंट ए। एट पॉइंट ए के ऊपर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू ई ए इज इक्वल टू क्या आ गया, 2kxp अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर। तो अब मैंने आपको क्या कहा था, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ हेयर नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंडेंसिटी की डायरेक्शन क्या है, जो पी वेक्टर की डायरेक्शन है वही रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंडेंसिटी की डायरेक्शन है एट पॉइंट ए। सो हेयर ई ए वेक्टर कैन बी रिटन एज 2kx p वेक्टर अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो p वेक्टर की डायरेक्शन है वही रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है। क्लियर? तो ये बहुत अच्छा एमसीक्यू क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एंड डाइपोल मोमेंट ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो क्या कहोगे, एंगल क्या होगा, इट विल बी 0 degree एंगल। क्लियर? सपोज हियर डाइपोल इज वेरी वेरी स्मॉल, देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल हूज लेंथ इज वेरी वेरी स्मॉल, सॉरी दैट इज कॉल्ड आइडियल डाइपोल। द डाइपोल हूज लेंथ इज वेरी वेरी स्मॉल इज कॉल्ड आइडियल डाइपोल। सपोज हियर टू एक्सिस टू एज 2a, this 2a is very very small as compared to x. अगर 2a x के comparatively काफी small है, x is very very large as compared to a, तो उस केस में ये हमारे पास result क्या बन जाएगा, ea is equal to क्या बन जाएगा, 2kpx, a को क्या कर देंगे हम, ignore कर देंगे, this becomes x raised power 4, but this is equal to क्या बन जाएगा, 2kp upon x cube बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दिस 2kp upon x cube, ये किसके लिए है, when dipole is ideal। वैसे क्या होता है, हम मोस्टली इलेक्ट्रिक डाइपोल को आइडियली लेके चलते हैं, बहुत स्मॉल होता है, जो भी जिस पॉइंट के ऊपर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालते हैं दैट पॉइंट इज ऑलवेज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। सो फ्रॉम हियर एक आपके पास और भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू डाइपोल
ड्यू टू एन आइडियल डायपोल किसके बराबर आ गई, 2kp/x³, एंड दिस रिजल्ट इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन डायपोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रही है, डिस्टेंस क्यूब आ रही है, अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्या आ रही थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, और ड्यू टू लाइन चार्ज क्या आ गई थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, एंड ड्यू टू डायपोल क्या आ रही है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस क्यूब। क्लियर? तो ये चारों पांचों आपने क्वेश्चन याद रखना है, एक आपने कैलकुलेट कैसे करनी है, दूसरा उसकी वैल्यू क्या आ गई, तीसरा उसकी डायरेक्शन क्या आ गई, चौथा उसका डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन आया। तो ये तीनों चारों चीजें आपने इनको मल्टीपल चॉइस के लिए भी याद रखना होगा। नाउ वी विल कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल ऑन इट्स इक्विटोरियल प्लेन। अब हम इक्विटोरियल प्लेन के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। इक्विटोरियल प्लेन मींस केस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इक्विटोरियल प्लेन मींस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लेंगे डायपोल के, और उस डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो हम कैलकुलेट लिखेंगे। Now, this is a dipole. Here is a point A at a distance y. Y distance के ऊपर ये point है. This is a point A at a distance y from the mid of an electric dipole. तो इस पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी है। तो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना होगा कि वही यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस पॉजिटिव चार्ज के कारण भी होगी और इस नेगेटिव चार्ज के कारण भी होगी। तो बच्चों आप सोचिए दो मिनट के लिए कि इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगी, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगी। देखिए नेगेटिव चार्ज के कारण मैं क्या बता रहा हूं बार बार आपको कि नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, टुवर्ड द चार्ज होती है। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। तो आप इस तरह पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मेंशन कर दो, फिर आपने जैसे पिछले क्वेश्चन में दोनों के डायरेक्शन शो करके उन दोनों के बीच में हम एंगल देख लेंगे, फिर हम रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आपके पास जैसे माइनस के हुआ है, दिस इज प्लस के हुआ, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2a, दिस इज ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, मींस दिस इज ए पॉइंट ए जिसको हम क्या कहते हैं, दिस पॉइंट ए इज लाइंग ऑन द इक्विटोरियल प्लेन। तो इसका यहां से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये दिस इज अंडर रूट ऑफ y square plus a square, so this distance will also be under root of y square plus, this is also y square plus a square. Clear? Now the electric field density due to this positive charge kya hogi, it is toward the charge, sorry, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आनी है दैट इज अवे फ्रॉम द चार्ज यहां पे, और नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होनी है वो किधर होनी है, दैट इज This is positive charge, this is minus charge. तो इस तरह से क्या है, हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख लेंगे, अवे फ्रॉम द चार्ज एंड टुवर्ड द चार्ज देख लेंगे। तो जैसे ये आपके पास
तो आज की इसको मैं कल कंटिन्यू रखूंगा, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा सारा अच्छी तरह कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण डायरेक्शन आएगी, फिर उसका हम रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच आज की क्लास के लिए। सो जीतेगा इंडिया, हारेगा कोरोना। थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ।